आज से ऑलमोस्ट 6 महीने पहले हमने वृंदावन रीलोकेट होने पर अपना पहला व्लॉग बनाया था। आप में से किस किस को याद है? हमारा पहला व्लॉग और हमारा पहला रेजोल्यूशन 64 वृंदावन परिक्रमा। और उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, कोरोना पैंडेमिक, लॉकडाउन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन एंड 500,000 मील्स। अब तक हम 5,00,000 से ज्यादा मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हरी हरी। हम कृष्ण कृपा पाने के लिए 64 परिक्रमा करना चाहते थे और कृष्णा ने 4 दिन परिक्रमा करने पर ही इतनी सारी कृपा बरसा दी। वो आजकल का ट्रेंड है ना, जब हम किसी के बर्थडे पार्टी पे जाते हैं तो हमें मिलता है रिटर्न गिफ्ट। ठीक उसी तरह हम वृंदावन आए और हमें कितना सुंदर, दिव्य और जिसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, कृष्ण ने हमें वैसा गिफ्ट दे दिया। कृष्णा के भक्तों की, ब्रजवासियों की सेवा करने का गिफ्ट। हम खुद को भी बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं डेफिनेटली, जो हमें ये डायमंड अपॉर्चुनिटी मिली। और हमारे साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी हमारी माधवस की इतनी बड़ी फैमिली यानी आप सबको भी मिली। सो आप सबके लिए भी एक बड़ा वाला हरी बोल। दिस इज कॉल्ड कृष्णा'स मर्सी। हमें सिर्फ सच्चे दिल से कृष्ण की भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ कोशिश मात्र से ही कृष्णा खुश हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसा देते हैं और अब ये प्रसादम सेवा जिंदगी भर चलेगी। रुक ही नहीं सकती। क्यों नहीं रुक सकती? इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं 64 परिक्रमा श्री वृंदावन धाम की। हरी हरी। यस, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो प्रण हमने लिया था वो जरूर पूरा करेंगे। हे प्रभु, इस बार फिर से लॉकडाउन मत कर देना। और आप सबको अपने मन में ही रखकर आप सबकी तरफ से भी परिक्रमा करेंगे, तो आप सब भी हमारे साथ परिक्रमा करने को तैयार हो जाइए। प्लीज प्रे फॉर अस, प्लीज ब्लेस अस, ताकि हम इसी तरह भगवान के दास बनकर रहें और इसी तरह सबकी सेवा भी करते रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।